तो आज ही दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के तो आई क्यू जी नाइन टर्वो काफ़ी सारे लोग भाई वेट कर रहे हैं कब से फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा कब हम इस फोन को खरीद पाएंगे ऑफिशियल लॉन्च डेट में आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन क्या फोन इस यानी कि इंडिया के अंदर आएगा नहीं आएगा किस प्राइसिंग में आएगा का उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आई क्यू वाले भाई पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हैं इस फोन को लॉन्च ही नहीं करना चाहते हैं देखते हैं भाई क्या होता है लेकिन अगर जो फ़ोन आता है मेरे हिसाब से बहुत ही किलर स्मार्टफोन हो सकता है लेकिन भाई इतना भी लेट मत करो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ऑलमोस्ट दो महीने पहले चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर भाई पिछले एक महीने से लोग वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक आई वाले ने कुछ भी रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी टीज वगैरह यहाँ पर नहीं करा है मेरे हिसाब से इस फोन को ये लोग नहीं लेके आने वाले लेकिन लेकर आते भी हैं तो भाई जल्दी लेकर आओ यहाँ पर पोको एप सिक्स और रियलमी जी टी सिक्सटी थर्टी थाउजेंड की प्राइसिंग में बैठे हुए हैं जो लोग काफ़ी यानी कि तीस हज़ार रुपये में अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं लेकिन भाई आइको वाले के अंदर खास बात यह है कि इस फोन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्पेशल मिल जाती है जैसे इसके अंदर आपको सिक्स थाउजेंड एम बड़ी बैटरी बड़ी बैटरी मिल जाती है एटी वाट की चार्जिंग है यानी कि बड़ी बैटरी लाइफ बैटरी वैकअप तो तगड़ा मिलेगा फास्ट चार्जिंग भी बैटरी मिलती है तो ओवरऑल यहाँ पे बैटरी का भी मस्त मिलने वाला है ऊपर से डिस्प्ले मस्त है इस फोन के अंदर सिक्स पॉइंट सेवन एट इंच की वन पॉइंट फाइव के ओलेट वन फोटी फोर हर्ट्स का रिफर्स एट वैसे वन ट्वेंटी हर्ट्स मिलता है वन फोटी फोर हर्ट्स अब आपको गेमिंग के अंदर मिलेगा लेकिन अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन भाई इस फ़ोन को पता है क्या खास बना देती है जैसे रियलमी जी टी सिक्सटी पोको एप सिक्स के अंदर बहुत ही बकवास का कैमरा सेटअप मिलते थे लेकिन इस फोन के अंदर भाई काफ़ी अच्छे कैमरा सेटअप देखने मिल जाते हैं फिफ्टीन मेगापिक्सल का मेन सेंसर एट का अल्ट्रा वाइड सोलह मे एस मिल जाती है लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वीवो की ऑप्टन आईक्यू यहां पर डालता है तो कैमरास वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे तो यहाँ पर कैमरास भी बेटर है डिस्प्ले भी अच्छी है और ऊपर से परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन एट एच जन थ्री की बेटर मिल जाती है तो मेरे हिसाब से इस फोन को काफी ज्यादा बेटर बना देती है अगर ये फोन अगर अच्छी प्राइजिंग में आ जाता है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ के आसपास तो ये फोन काफ़ी अच्छा हो सकता है लेकिन देखते हैं क्या होता है वैसे इंडिया के अंदर भाई आईक्यू जी नाइन टर्बो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको इंडिया के अंदर देखना मिल जाए आई होप की जो लॉन्च हो जाए आईकू वाले कुछ ना कुछ करें देखते हैं क्या होता है वैसे थर्टी थाउजेंड रुपीज इसमें कोई भी आईक्यू का फोन यहाँ पे देखने को नहीं मिला इंडिया के अंदर थर्टी थाउजेंड रुपीज का न्यू सेवन प्रो यहाँ पे बैठा हुआ है थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज में आईक्यू का नाइन प्रो प्लस प्रो मिल जाता है नाइन प्रो देखते हैं भाई अगर यहाँ पे थर्टी थाउजेंड रुपीज़ में आई क्यू जी नाइन टर्वोल लॉन्च होता है किसी और नाम से भी लॉन्च होता है मेरे हिसाब से बहुत ही गलत स्मार्टफोन हो सकता है ट्वेंटी सिक्स से लेकर ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज़ के आसपास अगर जी स्मार्टफोन लॉन्च होगा बहुत ही गलत स्मार्टफोन हो सकता है देखते भाई आई क्यू वाले लॉन्च करते हैं नहीं करते हैं, वो तो आने वाले समय पता लगेगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आई क्यू जी नाइन टर्वोल जो हो सकता है मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट मंथ जुलाई के एंड तक होते होते आपको इंडिया के अंदर देखने मिल जाए थोड़ा वेट और कर लो फिर उसके बाद जाए भाड़ में फिर आए ना आए कोई मतलब नहीं और भी काफ़ी तगड़े स्मार्टफोन आने वाले हैं